वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द रॉकिंग हॉर्स विनर, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि टीएच लॉरेंस द्वारा लिखी गई थी। सो इसमें कहानी बताई गई है कि कैसे एक जो यंग लड़का होता है वो अपनी माँ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्योंकि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा पैसों की किल्लत, बहुत पैसों की दिक्कतें हो रही होती हैं, तो वो अपनी माँ की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फाइनेंशियली। तो कैसे हेल्प करता है हम आप स्टोरी में पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है जिसमें माँ का इंट्रोडक्शन बताया जाता है। तो कहानी शुरू होती है जिसमें बताया जाता है कि एक औरत होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, लेकिन उसके पास लक नहीं होता, उसके पास अच्छी किस्मत नहीं होती। वो लव मैरिज करती है, लेकिन ये लव मैरिज भी उसके लिए कुछ खास फायदेमंद नहीं होती। और स्टार्टिंग में तो उसे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार होता है, लेकिन बाद में जो उसकी हस्बैंड से जो उसका प्यार होता है वो एकदम खत्म हो जाता है और उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसों की कमी हो जाती है। वो और उसके हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पैसे को इकट्ठा करने में, वो अलग अलग जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसों की कमी पूरी नहीं हो पाती। और उनके वैसे तीन बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है जिसका नाम पॉल होता है और दो उनकी बेटियाँ होती हैं। तो वो जो है वो लोग क्या करते हैं, जो ये हमारी औरत है जो मतलब माँ है, इसका नाम है हेस्टर। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ये नाम नहीं बताया गया, एंड में बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका नाम हेस्टर है। तो जो हेस्टर होती है बहुत ज़्यादा एक टाइप की बताई गई है मटेरियलिस्टिक वुमेन होती है, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे पैसा पैसा वो हमेशा करती रहती है। और हमेशा वो इतना उसका हस्बैंड कमाता है, वो भी कमाती है, लेकिन कभी उनके घर में पैसों की कमी हो, मतलब कभी पैसे उनके पूरे पर हमेशा पैसों की कमी ही रहती है, कभी वो खुश नहीं होते। और इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस घर में वो रहते हैं वो काफ़ी आलीशान सा घर होता है, और जो उनके नौकर चाकर भी होते हैं, गार्डनर होता है, नर्स होती है जो उनके बच्चों की देखभाल करती है, यानी जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उनके अर्निंग से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा उनको पैसों की किल्लत होती रहती है। वो हमेशा अमीर दिखना चाहते हैं और अमीर दिखने के चक्कर में हमेशा उन्हें पैसों की कमी होती रहती है। अब हस्बैंड और वो जो मदर है, फादर और मदर दोनों काम करते हैं, लेकिन दोनों को कामयाबी नहीं मिलती और बहुत ही कम पैसा उन्हें मिल पाता है। तो जो हर एक जो इंसान है फैमिली में, उसे लगता है कि शायद जो ये घर है ये हॉन्टेड है, क्योंकि हमेशा उन्हें एक विस्पर, हमेशा उन्हें ये फुसफुसाहट सुनाई देती है घर में कि देयर मस्ट बी मोर मनी, ज़्यादा पैसे होने चाहिए। और जब भी क्रिसमस का टाइम आता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए रॉकिंग हॉर्स खरीदते हैं, मतलब बहुत महंगे तोहफे खरीदते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पैसों की कमी है, लेकिन फिर भी वो खर्चे पे खर्चा करते रहते हैं, बचाते नहीं। तो वो क्या करते हैं, क्रिसमस में अपने बच्चों के लिए बहुत महंगे टॉयज खरीदते हैं। तो एक रॉकिंग हॉर्स खरीदते हैं और एक डॉल हाउस खरीदते हैं। तो रॉकिंग हॉर्स अपने बेटे के लिए और डॉल हाउस बेटियों के लिए। तो बच्चे जो हैं जब खेलते हैं तो वो कहते हैं कि वो उन्हें ना कुछ कुछ सुनाई देता है, ये सब चीज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन कि मतलब भी मोर मनी, ठीक है, देर मस्ट बी मोर मनी, लेकिन वो बच्चे को सुनाई देती है, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं कहते कि हाँ तुम्हें आवाज़ आ रही है, बस वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनकी आँखें ऐसे कह रही होती कि हाँ हमें ये आवाज़ साफ तौर से आ रही है। तो एक दिन क्या होता है, जो पॉल है वो अपनी माँ हेस्टर से पूछता है कि उनके पास कार क्यों नहीं है और वो हमेशा हर जगह जाने के लिए वो टैक्सी क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जो पॉल के पापा हैं उनका कुछ लक अच्छा नहीं है, उनका लक बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पॉल अपनी माँ से पूछता है कि लक क्या होता है, मतलब लक और मनी क्या सेम चीज़ होती है। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, लक और मनी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जिसके पास लक होता है उसके पास पैसा आ जाता है, यानी अगर तुम्हारे पास अच्छा लक है तो तुम्हारे पास पैसे ज़रूर आएंगे। तो पॉल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि हाँ मुझे लकी होना जरूरी, यानी अगर मैं लकी हूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। और उसे अपनी घर की हालत बखूबी पता होती है कि उसको घर में कितनी ज्यादा किल्लत होती है, उसकी घर वालों को, उसकी माँ को, उसके पापा को, उसकी बहनों को। तो उसे लगता है कि उसे पैसे कमाने चाहिए और पैसे कमाने के लिए उसको लकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो क्या कहती है कि जो पॉल होता है वो हेस्टर से कहता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं लकी हूँ, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, पर वो कहता है कि माँ मैं लकी हूँ। लेकिन उसकी माँ होती है उसको उस पर यकीन नहीं करती, और पॉल बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होता है, वो कहता है कि भाई मैं तो अपना जो लक है ना, यकीन मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं ये अपनी माँ को मैं प्रूफ करके रहूँगा। तो जो पॉल है वो अपने आप को सर्च करता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है कि वो किसी तरह से वो लकी हो जाए और इसकी जो ये डिज़ायर है वो ये डिज़ायर उसकी पूरी हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि वो जो नर्सरी जहाँ पे उसकी जो बहनें और ये
खुद खेलते हैं वहाँ पे, एक रॉकिंग हॉर्स रखा होता है जैसे जो गिफ्ट में मिला था उसको क्रिसमस में, तो कभी कभी ये सोच सोच के ना वो इस रॉकिंग हॉर्स को बहुत जोर जोर से दौड़ाना शुरू कर देते हैं। ऑफकोर्स ये तो एक टॉय है, और जब वो घोड़े की आंखों में देखता है तो उसकी घोड़े की आंखें कैसी होती हैं, वाइड होती हैं, ग्लासी आईज होती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो जो हमारा पॉल है उससे कह रहा है कि प्लीज मुझे लक दे दो, मुझे एक अच्छी किस्मत दे दो। तो वो सोचता है कि शायद जो ये घोड़ा है शायद मुझे अच्छी किस्मत दे देगा। और कभी कभी वो उस घोड़े को मारता भी है, उस टॉय को क्या करता है वो मारता भी है कूड़े से, जैसे इस तरह से दिखाता है जैसे कि ये घोड़ा असल में दौड़ रहा हो, और जैसे किसी बिगड़े हुए घोड़े को ठीक करने के लिए हम जैसे कूड़े मारते हैं जो उनके मालिक होते हैं। तो इसी तरीके से उसका जो ये रवैया होता है बहुत अजीब होता है, और वो कभी कभी कूड़े मारता है उस रॉकिंग हॉर्स को, उस टॉय को। तो इसकी वजह से जो उसकी बहनें खेल रही होती हैं वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं कि इस पॉल को क्या हो गया है। एक दिन अंकल ऑस्कर पॉल के घर जाते हैं, और वो देखते हैं कि पॉल अपनी नर्सरी में है और वो उस रॉकिंग हॉर्स के ऊपर बैठा राइड कर रहा है जोर जोर से। अब अंकल ऑस्कर उसे कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो तुम, और अभी भी तुम इस रॉकिंग हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हो। तो पॉल इसका अंकल ऑस्कर को कोई भी जवाब नहीं देता है, और उस घोड़े पे उस रॉकिंग हॉर्स पे वो राइड करता रहता है। थोड़ी देर राइड करने के बाद वो फिर नीचे उतरता है, और तब अंकल ऑस्कर उससे पूछते हैं कि इस घोड़े का तुमने क्या नाम रखा, इसका घोड़े का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही। तो पॉल कहता है कि हाँ, इस घोड़े का जो नाम है चेंज होता रहता है, इसका नाम मैं बदलता रहता हूँ, और लास्ट ही वीक मैंने इसका नाम सैंसोविनो रखा है। अब इस बात को सुनते ही अंकल ऑस्कर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और बहुत चौंक जाते हैं, और वो इस सम उन्हें ध्यान आता है कि अरे ये तो घोड़ा इसी घोड़े का नाम है सैंसोविनो, उसी घोड़े का नाम है जो पिछले हफ्ते जो हॉर्स रेस हुई थी उसमें वो फर्स्ट आया था। तो फिर जो उसकी बहन होती है जो वहीं पे खेल रही होती है, जॉन जो पॉल की बहन होती है, तो वो अंकल ऑस्कर को बताती है कि एक्चुअली जो पॉल है वो हमारा जो गार्डनर है बेसेट उससे बातें करता रहता है हॉर्स रेसिंग के बारे में। अब जो अंकल ऑस्कर है वो पॉल से पूछते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद इसे रेस हॉर्स रेस के बारे में बहुत कुछ पता है, तो वो उससे पूछते हैं कि अच्छा तो तुम बेटिंग वगैरह लगाते हो, तो तुम किस घोड़े पे तुमने बेटिंग लगाई है। तो पॉल कहता है कि हाँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक मुझसे वादा करिए कि आप किसी को भी मत बताएंगे, मतलब किसी को भी आप नहीं बताएंगे इस बारे में कि मैं बेटिंग करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी मम्मी को पता चला तो वो बहुत बुरा मानेगी। तो पॉल कहता है कि मैं ना डेफिडोल नाम का एक घोड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं है, मैं उस पर बेट लगाने वाला उस पर मैं पैसे लगाने वाला हूँ। तो ये जो घोड़ा होता है डेफिडोल ज़्यादा कोई फेमस नहीं होता, तो जो अंकल ऑस्कर होते हैं उन्हें लगता है कि ये तो पता नहीं झूठ बोल रहा है क्या, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास घोड़ा तो है नहीं, पता नहीं ये जीतेगा नहीं जीतेगा। तो खैर जो पॉल होता है कहता है कि ऑस्कर को कहता है कि प्लीज़ मैं आपसे दोबारा से मैं वादा करता हूँ कि प्लीज़ आप किसी को मत बताना मेरे मतलब कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये बेटिंग करता हूँ, और मेरा जो गार्डनर है बेसेट हम दोनों क्या करते हैं, हम पार्टनर्स, और हम दोनों मिलके क्या करते हैं छोटी छोटी बेट्स लगाते हैं, और इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारा पैसा मैंने कमाया है जो हमारा खर्चा निकल जाता है। अब पॉल अपने अंकल को बताता है कि वो 300 पाउंड जो है डेफिडोल पे लगाने वाला है। पहले जो अंकल ऑस्कर होते हैं वो यकीन नहीं करते उस पर, लेकिन पॉल उसे भरोसा दिलाता है कि हम ये मैं और गार्डनर जो बेसेट है हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए। अब जो अंकल ऑस्कर है वो पॉल को एक हॉर्स रेस पे ले जाते हैं, और पॉल की जो आंखें होती हैं वो ऐसे लग रहा होता है कि वो बहुत ध्यान से उस रेस की तरफ रेस को ही देख रही हैं। तो जब डेफिडोल जीत जाता है और उसकी आंखें आखिरकार बहुत शांत हो जाती हैं, तो लेकिन जो अंकल पॉल है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि वो पॉल कहेगा डेफिडोल जीतेगा, और वो जीत भी गया, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो इतना मतलब इतना कोई खास घोड़ा नहीं है जो जीत जाएगा, लेकिन वो जीत गया। तो अंकल ऑस्कर थे वो तो बहुत ही ज़्यादा चौंक गए, लेकिन खैर पॉल जो था काफी ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा शांत था, वो ध्यान से देख तो रहा था रेस लेकिन वो बहुत शांत था, इससे ही पता चलता है कि वो ये कई बार कर चुका है। तो पॉल को कितने का प्रॉफिट हुआ, उसने 300 लगाए थे इस घोड़े पे, 300 पाउंड्स लगाए थे, और जीते उसने 1500 पाउंड, 1500 पाउंड्स उसने जीते हैं इस डेफिडोल घोड़े से। तो फिर उसने कहा कि मैं अंकल ऑस्कर आपको एज अ पार्टनर मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे साथ साथ जो बेसेट है हमारा गार्डनर वो भी हमारे साथ काम करेगा। तो अंकल ऑस्कर प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हाँ मैं किसी को भी तुम्हारी बात नहीं बताऊंगा, तुम्हारी माँ को मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अब पॉल बेसेट और अंकल ऑस्कर एक वॉक करने जाते हैं, और पॉल एक्सप्लेन करता है उन्हें कि वो हमेशा तब वो जीतता है जब उसे पक्का पक्का भरोसा होता है कि हाँ वही घोड़ा जीतने वाला है, तभी वो बेट लगाता है। अगर उसे भरोसा नहीं होता कि हाँ ये घोड़ा नहीं जीतने वाला है, उसे श्योर नहीं होता, तो वो बिल्कुल
बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाता है। तो अंकल ऑस्कर ना, उस अंकल ऑस्कर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता पॉल और बेसेट की बातों पे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो अंकल ऑस्कर जो है पॉल से पूछते हैं कि अच्छा तुम इतना श्योर कैसे हो जाते हो, तुम पता कैसे लगाते हो कि ये घोड़ा जीतने वाला है, मतलब ये घोड़ा ये रेस में जीतेगा। तो पॉल कहता है कि बस उसे पता है, बस उसे पता है, वो इतना ही कहता है पॉल। तो बेसेट कहता है कि भाई इसको जो नॉलेज है ये हेवन से आती है, उसको जन्नत से इसको ये नॉलेज आती है। अब अंकल जो ऑस्कर होते हैं वो पार्टनरशिप के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, वेल्दी तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। और पॉल जो है वो अगले बैट में 10,000 पाउंड्स कमाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कमाई वो करता रहता है। अब अंकल ऑस्कर जो है पॉल से पूछते हैं कि वो पैसों का क्या करेगा, तो पॉल बताता है कि वो ये बेटिंग उसने इसीलिए शुरू करी है ताकि वो अपनी माँ हेस्टर को वो दे सके, क्योंकि उसके घर में हमेशा कैसे कैसे आवाज़ें आती रहती हैं कि हमेशा पैसे की हमेशा लड़ाई होती रहती है और कितनी ज़्यादा उन्हें पैसों की ज़रूरत है। तो वो ये जो पैसे हैं ये अपनी माँ हेस्टर को देगा ताकि हमारे घर में थोड़ी सी शांति हो, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी है। तो अंकल ऑस्कर कहते हैं ठीक है ठीक है। तो फिर जो है जो वो कहते हैं जो वो पॉल होता है वो अंकल ऑस्कर को कहता है कि तुम जो ये पैसे हैं ना ये मेरी माँ को दे देना, यानी खुद नहीं देता वो पॉल, क्योंकि उसकी माँ को शक हो जाएगा कि उसके पास इतने ज़्यादा 10,000 पाउंड्स कहाँ से आए। तो वो कहता है, पॉल कहता है अंकल ऑस्कर को कि तुम जो ये पैसे हैं बैंक में डाल दो और फिर मेरी माँ को बता देना कि वो पैसे जो है हर साल उनके बर्थडे पे वो निकालती रहे, 1,000 पाउंड्स निकालते रहे। लेकिन जब उसकी माँ को अंकल ऑस्कर बताते हैं तो उसकी माँ जो हेस्टर होती है बहुत ही ज्यादा लालची किस्म की होती है, तो उसे रहा ही नहीं जाता। ठीक है, वो क्या सोचता है, पॉल सोचता है कि माँ एक एक साल में एक बार 1,000 पाउंड्स लेगी। लेकिन उसकी माँ को जब पता चलता है कि पैसे आए अकाउंट में तो वो क्या करती है, बैंक जाती है और सारे के सारे 5,000 पाउंड्स जो है वो एक साथ लेके आ जाती है। ठीक है, यानी जीता तो वो 10,000 पाउंड्स था लेकिन अपनी माँ के लिए उसने 5,000 पाउंड्स रखे थे, 5,000 उसने अपने लिए रखे होंगे। अब हेस्टर को पैसे तो मिले, तो अब जो पैसे मिले लेकिन जो घर था वो और ज़्यादा ही किल्लत का शिकार हो गया, और ज़्यादा घर में से आवाज़ आने लग गई मोर मनी मोर मनी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा लालची थी, उसको पैसे पे करने चाहिए, यानी जितना भी उनका डेब्ट था जितना भी उन्होंने उधार लेना लिया हुआ था वो पे करने की जगह हेस्टर ने नए फर्नीचर खरीदे और ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया, और वह उन लोगों को पैसा नहीं दिया जहाँ उसको जहाँ से उसने उधार लिया था। और उसने क्या किया, नए 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 फर्नीचर नए खर्चा करना शुरू कर दिया, और जो पॉल के लिए नया ट्यूटर अरेंज किया ताकि वो जो है एक बड़े से बॉय स्कूल में जाके पढ़ सके। अब इस तरह की जो नॉइसेस थी वो अभी भी फिलहाल आने ही लग रही थी, और पॉल बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि अब उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि जो घर से आवाज़ें आ रही थी कि मोर मनी मोर मनी वो उसे अभी भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। यानी वो कि घर की जो हालात थी ना, मतलब वो अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी, उसकी माँ ने बिल्कुल सेंसिबल तौर से पैसे का इस्तेमाल नहीं करा था, और अभी भी जो पॉल था इतना परेशान था कि मैं कैसे और पैसा कमाऊँ। इसलिए वो जो उस हॉर्स को जब वो राइड करता था तो इतना इंटेंसली उसको राइड करता था, इतनी ज़ोर ज़ोर से राइड करता था, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि हो क्या रहा है। और कई बार क्या हुआ, वो इतना ध्यान उसका भटक गया कि वो कई बार अब जो पैसे थे बेटिंग में यानी हॉर्स रेस में, वो जो हॉर्स बेटिंग करता था उसमें वो हारने लग गया था। इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया था, एकदम जंगली हो गया था, और बहुत अजीब तरीके से वो बिहेव करने लगा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मतलब अजीब ही तरीके का वो एक इंसान हो गया था, बहुत एजिटेटेड एंग्री एकदम मैड टाइप हो रहा था। अब हेस्टर जो उसकी माँ थी उसने फाइनली नोटिस किया था कि उसके जो बेटे की आंखें कितनी अजीब सी हो गई हैं, लाल हो गई हैं, और वो रेस्ट नहीं लेता, बिल्कुल पागलों जैसा वो हमेशा घोड़े पे सवार रहता है और हमेशा फिक्र में रहता है। तो उसने अपने बेटे को कहा कि प्लीज़ आप जाओ किसी थोड़ा छुट्टियाँ बिताओ किसी सी साइड में घूमो। तो पॉल ने कहा कि नहीं मुझे कहीं भी जाना नहीं है क्योंकि मुझे अभी मेरी एक बड़ी सी हॉर्स रेस आने वाली है। तो उसकी माँ ने कहा कि प्लीज़, और उसे उसकी माँ को पता चल गया था कि ये गैम्बलिंग करता है, ये बेटिंग वगैरह करता है। तो उसकी माँ ने कहा कि अभी मत करो, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, मैं भी इस फैमिली से आती हूँ जहाँ मेरे फैमिली वाले भी ये करते थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। लेकिन पॉल ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा और मैं घर पे ही रहना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब पॉल ने घर से जाने के लिए मना कर दिया, और वो इसलिए उसने मना किया क्योंकि वो उस रॉकिंग हॉर्स से दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। अब हेस्टर ने ये डिसाइड किया कि पॉल बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हमेशा क्या नर्सरी में ही रहता था, पॉल बड़ा हो चुका था लेकिन अभी भी वो नर्सरी
नर्सरी में वो जो घोड़ा था उस रॉकिंग हॉर्स के ऊपर ही बैठे बैठे उसे जोर जोर से राइड करता रहता था। तो पॉल ने कहा कि ठीक है, जो ये घोड़ा है ना, आप मेरे कमरे में, बेडरूम में शिफ्ट कर दो। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, अब ये टॉय तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन पॉल ने कहा कि जब तक मेरा असली घोड़ा मुझे नहीं मिल जाता, एक रियल हॉर्स नहीं आ जाता मेरे पास, तब तक के लिए मुझे प्लीज़ ये रॉकिंग हॉर्स ही मेरे बेडरूम में आप रख दीजिए। अब जैसे जैसे वो नया एक जो मैच था वो नज़दीक आने लग गया था, पॉल बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता गया था और उसकी आंखें बहुत स्ट्रेंज लाल हो गई थी, बहुत अजीब तरीके से हो गई थी। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके लिए। 2 रातें रह गई थी मतलब उस हॉर्स मैच के लिए, हॉर्स रेस के लिए। तो फिर एक पार्टी थी और जो उसकी माँ हेस्टर थी वो पार्टी में चली गई थी, लेकिन वो पॉल के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसका उनका दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो वो अपनी नर्स जो थी ना, वो जो उनके घर में देखभाल करती थी उनके बच्चों की, तो वो उनसे पूछती थी फ़ोन कर करके कि देखते रहो सब ठीक है, तो वो हल्का फुल्का चेक कर लेती थी। पर वो बेडरूम में नहीं जाती थी क्योंकि उसकी माँ हेस्टर ने मना करा था कि उसको परेशान मत करना, उसको डिस्टर्ब मत करना। अब जब हेस्टर पार्टी से आती है, घर में आती है और वो पॉल के रूम में जाती है, पॉल के डोर पर जाती है, तो वो आवाज़ सुनती है कि बहुत ही तेज़ से आवाज़ आ रही है उसके रूम में, जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से उस रॉकिंग हॉर्स पे जैसे राइड कर रहा हो, जैसे बहुत, जैसे कोई एजिटेटेड, जैसे कोई पागलपन होता है ना, जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको राइड कर रहा हो, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। और जब उसने डोर ओपन किया तो देखा कि जो पॉल है वो उस रॉकिंग हॉर्स को बहुत ही गंदी तरीके से राइड कर रहा है, जैसे एक रियल हॉर्स उस तरह से वो उसको राइड कर रहा था। और तभी एक ज़ोर से जो रोशनी थी वो निकली उस हॉर्स के पास से, और तभी जो पॉल ने कहा ज़ोर से कि इट्स मालाबार, ऐसे ज़ोर से कहा इट्स मालाबार, और बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, और एकदम से गिर के वो नीचे बेहोश हो गया। अब उसकी माँ उसके पास गई उसको देखने के लिए। 3 दिनों बाद जो पॉल की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती गई, मतलब 3 दिन ठीक था वो, 3 दिन से वो उसकी जो कंडीशन थी ख़राब होती गई होती गई होती गई, और हेस्टर को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब बेसिट आया और जो बेसेट था उनका गार्डनर आया और उसने बताया पॉल को कि जो मालाबार में जो मतलब जो घोड़ा है, मतलब उन्होंने क्या था, मालाबार एक घोड़ा था, उन्होंने उस पर पैसे लगाए थे, ठीक है, मालाबार एक घोड़ा था जिस पर उन्होंने पैसे लगाए थे उस हॉर्स मैच पे। और उस बेसेट ने बताया पॉल को कि वो मैच जीत गया है, मालाबार घोड़ा जिस पर तुमने शर्त लगाई थी, जिस पर तुमने बैटिंग की थी। अब पॉल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि क्या वो ये सोचती है कि वो लकी है। अब पॉल ऐसा कहता है जैसे कि वो अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा वो अपनी मम्मी को साबित करना चाह रहा था कि वो जो है बहुत ज़्यादा लकी है। उसकी मम्मी कहती है कि उसे नहीं पता, और उसी रात जो है पॉल जो है मर जाता है। अब पॉल की डेथ के बाद जो अंकल ऑस्कर हैं वो हेस्टर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि जो है तुम्हारा जो बेटा है वो तो मर गया, बहुत ही बेकार था, बहुत डेविल था, और उसके बदले में तुम्हें क्या मिला है, 80,000 पाउंड्स मिले हैं, जो उसने आखिरी जो गैम्बलिंग करी थी, आखिरी जो बेटिंग करी थी उस घोड़े पे, उसने 80,000 पाउंड्स कमाए हैं, तो वो तुम्हें मिले हैं। तो वो कहता है अंकल ऑस्कर कि तुम्हारे बेटे से बेहतर हैं ये 80,000 पाउंड्स जो उसने तुम्हें कमा के दिए हैं। और अंकल पॉल एक्सप्लेन करते हैं कि पॉल बेहतर है कि वो मर गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पागल था या इस तरह से था। और वो कहता है कि शायद वो एक ऐसी ज़िंदगी में, एक ऐसे लाइफ में चला गया है जहाँ वो अभी भी उस रॉकिंग हॉर्स को चला रहा है, उसको राइड कर रहा है और ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि विनर कौन है। यानी शायद अंकल हॉर्स को, अंकल ऑस्कर को भी बताओ कि वो कितना पागलपन था उसके अंदर। ही अंकल ऑस्कर काफ़ी ज़्यादा वेल्दी, बहुत वेल्दी थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा किस तरह के थे, बहुत लालची इंसान थे, और माँ भी शायद उसकी लालची थी। एट दी एंड हमें स्टोरी में ये पता चलता है कि जो हमें ये जो पोएट जो राइटर है वो बताना चाहती है कि जो मटीरियलिज्म है, मटीरियलिज्म लव है, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और ये हमें थीम देती है ग्रीड की, कि इतनी ज़्यादा ग्रीड का किसी का भी फायदा नहीं होता है। और एट दी एंड हमें ये भी पता चलता है, ये भी हमें नहीं बताया गया कि जो उसकी माँ होती है उसको कैसा फील होता है जब वो बेटा उसका मरता है, ये हमें नहीं बताया गया, या वो दुखी होती है या फिर वो खुश होती है उस 80,000 पाउंड्स को पाके। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।